Hi students, this is CA ANUJ JALOTA. This is ultra quick revision of your cost and management accounting paper number 3. As promised by me to you all, those people who are seeing our regular lectures of costing, this is kind of a revision for them, whatever you all have done. So what I'm going to be doing is that आपकी बुक के अंदर एक एक क्वेश्चन जो है आई एम गोइंग टू बी ट्राइंग टू रिवाइज इट सुपर फास्ट. जो भी उसके ना मेन पॉइंट था आई विल ट्राई टू से दैट पर्टिकुलर थिंग ऑन द लास्ट डे. यू कैन ओनली सी दीज वीडियोस एंड यू ऑल कैन गो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो आई एम स्टार्टिंग अवे विद चैप्टर नंबर 2 एंड दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर इन दिस सीरीज. ओके, सो मटेरियल कॉस्टिंग, ये वाला चैप्टर सारा का सारा आपका सिर्फ इसी चीज के ऊपर था दैट व्हाट आर decisions regarding material. Material के reference के अंदर जो भी कुछ हो सकता था, we all are doing that. तो सबसे पहले material. Material के लिए एक account बनता है called as SLC account. वहाँ पे rate we have to enter. जब आप rate enter करते हो, अगर rate नहीं मालूम, take amount, take quantity, divide it. Okay, तो amount के अंदर क्या क्या आता है? तो सबसे पहले ग्रॉस कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एक्सक्लूडिंग GST, उसके से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे तो अपने को नेट कॉस्ट मिल जाएगा. उसके बाद एनी एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड टू ब्रिंग द गुड्स टू द फैक्ट्री गेट. उसके बाद एनी कमीशन पेड फॉर द परचेज ऑफ द गुड्स, ऑब्वियसली वो कॉस्ट ऑफ द गुड्स का पार्ट हो जाएगा. एनी इनडायरेक्ट टैक्सेस या GST या एक्साइज ड्यूटी बाय वट एवर नेम यू ऑल कॉल देम. फिर उसके बाद अगर कुछ भी यहाँ पर इंक्लूडेड है जिसका बाद में अपने को सेट ऑफ बेनिफिट मिल जाएगा तो वो चीज़ आप लोग लेस कर दीजिएगा. अगर कुछ भी सब्सिडी गवर्नमेंट से मिला आपका कॉस्ट उतना कम हो जाएगा. नॉन रिटर्नेबल कॉस्ट ऑफ पैकेज, अगर सपोज इन दिस पर्टिकुलर केस यू आर गोइंग टू बी पेइंग फॉर द पैकेजिंग देन इट इज़ योर कॉस्ट. उसके बाद अगर पैकेजेस का स्क्रैप वैल्यू है ओके, तो वो चीज़ हम लोग लेस कर देंगे. ठीक है, क्या क्या चीज़ें इग्नोर करने का वाइल कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट. एनी कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, दैट शुड बी इग्नोर्ड. एनी पेनल्टी, वो एबनॉर्मल चीज़ें वगैरह हो जाएंगी. आप लोग कुछ इलीगल काम वगैरह कर रहे थे, इलीगल वो तरीके से गुड्स ला रहे थे, उसका खर्चा हो रहा था, वो सब कुछ नहीं करेंगे. उसके बाद अगेन द सेम पर्टिकुलर थिंग, एनी चार्जेस इम्पोज्ड फॉर द वायलेशन और समथिंग. एंड लास्टली रिटर्नेबल कंडीशंस फॉर विच द फुल अमाउंट विल बी रिसीव बैक. ओके, दैट्स इट. ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट. अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने एक और पॉइंट जो किया था, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है. क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी अवेलेबल फॉर कंजम्पशन, दैट इज क्वांटिटी परचेज लेस ऑल नॉर्मल लॉसेस. ओके, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि अमाउंट शुड बी व्हाट, व्हाट अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हम लोग वो वाला बात कर रहे थे. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर 1000 के अंदर से 200 वॉज योर कैश, सॉरी वॉज योर ट्रेड डिस्काउंट, तो वो लेस हो जाएगा. उसके बाद GST ऐड कर देंगे, लेकिन बाद में उसका सेट ऑफ बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है तो वो हम लोगों ने लेस कर दिया था. ऐड पैकिंग चार्जेस, लेकिन ये जो पैकिंग चार्जेस थे ये नॉन रिटर्नेबल थे, तो नॉन रिटर्नेबल थे तो अपने को स्क्रैप वैल्यू ऑफ पैकिंग कंटेनर्स भी लेस करना था, लेकिन अपने पास वो वाला डेटा नहीं था तो इट इज़ निल. सो देयरफॉर 800 प्लस 96, लेकिन 96 का बाद में बेनिफिट मिल जाएगा, वो इधर लिखा हुआ है. उसके बाद प्लस 50, एक्चुअली इसके बाद लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ पैकिंग कंटेनर्स जो निल था. सो देयरफॉर दिस विल बिकम 850. 850 डिवाइडेड बाय 200 तो आंसर आ जाएगा 4.25. ठीक है, ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 ऑलमोस्ट सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन यहाँ पर हम लोग केमिकल ABC परचेज कर रहे हैं तो उनका कॉस्ट आप लोग ले लेना. सेल्स टैक्स वी डिवाइड इन द रेशियो ऑफ अमाउंट. रेलवे फ्रेट वी डिवाइड इन द रेशियो ऑफ क्वांटिटी परचेज्ड. और उसके बाद इतना शॉर्टेजेस था तो वो हमको चेक करना था इन फॉर्म ऑफ वो वाला चीज़ जो है वो अपने को डिडक्ट करना था वाइल कैलकुलेटिंग द क्वांटिटी. ठीक है, उसके बाद ऑक्ट्राई ड्यूटी पे किया था, दैट विल बी एट द रेट ऑफ 0.1 पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल एंटर्ड इन टू दैट सिटी. ठीक है, जो भी उससे पहले लॉस हो गया था उसके ऊपर आप लोग ऑक्ट्राई नहीं पे करोगे. ठीक है, बस तो ये सब करने के बाद आपको अमाउंट आ गया था और उसके बाद क्वांटिटी भी आ गया था. तो बेसिकली इस क्वेश्चन के ना हम लोगों ने क्या किया था, आप लोग अपना परचेस कॉस्ट ऐड कर लीजिए, उसके बाद सेल्स टैक्स जो है वो हम लोगों ने ऐड कर लिया था बट डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ अमाउंट. उसके बाद रेलवे फ्रेट ऐड कर लिया था,
बट डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ क्वांटिटी. फिर उसके बाद ऑक्ट्राई ऐड कर लिया था, बट ऑक्ट्राई वॉज एट द रेट ऑफ 0.1 पर यूनिट दैट हैड एंटर्ड इन टू द सिटी. फिर एक कार्टेज करके एक और कॉस्ट था, वो हम लोगों ने ऐड कर लिया था, वो तो डायरेक्टली अपने पास तीनों का था. एक बार वो वाला जो काम है वो हो गया था, उसके बाद टोटल कॉस्ट मिल गया था. टोटल कॉस्ट वॉज ओवर हियर डिवाइडेड बाई क्वान्टिटी. क्वान्टिटी मतलब क्वान्टिटी अवेलेबल फॉर कंजम्पशन, दैट इज क्वान्टिटी परचेज माइनस ऑल द लॉसेस. वो सब्ट्रैक करके आंसर आ गया था, दिस वॉज योर फाइनल थिंग. ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था. क्वेश्चन नंबर 4, परचेज बजट एंड प्रोडक्शन बजट. परचेज बजट के ना आप लोग क्या करते हो, योर एम इज टू फाइंड आउट कितना रॉ मटेरियल्स परचेज करेंगे. प्रोडक्शन बजट का एम क्या होता है, कितना फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करेंगे. तो प्रोडक्शन बजट कैसे बनता है, क्वांटिटी सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. और परचेज बजट कैसे बनता है, आप लोग क्वांटिटी कंज्यूम से स्टार्ट कीजिए, ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दैट विल गिव यू क्वांटिटी परचेज्ड इनटू सीपीयू, दैट गिव यू द आंसर एज सच. ठीक है, चलो बस एक छोटा सा चीज़ याद रखना, रॉ मटेरियल कब कंज्यूम होता है, जब ही फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो आपको कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है, ये हम लोगों ने कर लिया था. एक लास्ट चीज़, प्रोडक्शन बजट का फाइनल आंसर हमेशा यूनिट्स के अंदर एक्सप्रेस करना, और परचेज बजट का फाइनल आंसर रुपीज़ के अंदर एक्सप्रेस करना. सेम थिंग वी विल बी सीइंग इन द लास्ट टॉपिक ऑफ बजटरी कंट्रोल ऑल्सो. ओके, उसके बाद ईओक्यू. ईओक्यू के लिए आपको सिंबल्स की जरूरत थी, फटाफट बोल देता हूँ. ए, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स टू बी परचेज्ड इन वन ईयर. क्यू, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स टू बी परचेज्ड इन वन ईयर. उसके बाद सीपीयू, दैट इज परचेज कॉस्ट पर यूनिट. पूरे साल का परचेज कॉस्ट विल बी ए इंटू सीपीयू. फिर उसके बाद सी ए, दैट वॉज ऑर्डरिंग कॉस्ट. टी सी ए, ए बाई क्यू इंटू सी ए. आई, इंटरेस्ट रेट. सी आई, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, दैट विल बी सी आई इंटू इंटरेस्ट. याद रखना सी आई के अंदर अगर कुछ होल्डिंग कॉस्ट है वो सब कुछ भी इंक्लूड कर देना. उसके बाद टी सी आई विल बी एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज क्यू बाई टू इंटू सी आई. उसके बाद टी मतलब टी सी ए प्लस टी सी आई. ठीक है, टी सी ए एंड टी सी आई वर कॉन्फ्लिक्टिंग कॉस्ट, दोनों को मिनिमाइज नहीं कर सकते, तो हम लोग किस चीज़ को मिनिमाइज कर लेते हैं, टी को. जब टी को मिनिमाइज करते हैं तो जो अपने को क्वांटिटी वहां पर मिलता है दैट विल बी कॉल्ड एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. अगर उतना क्वांटिटी ऑर्डर करोगे तुम्हारा टी सबसे कम होगा. तो टी सी ए और टी सी आई को इक्वेट किया, ई ओ क्यू का फॉर्मूला आ गया. ई ओ क्यू का फॉर्मूला बेटा क्या था, स्क्वेयर रूट ऑफ 2ACA डिवाइडेड बाई सी आई. ठीक है, टी का तुम्हारा यूजुअल फॉर्मूला वॉज ए बाई क्यू इंटू सी ए प्लस क्यू बाई टू इंटू सी आई. लेकिन इफ़ यू विल ट्राई टू फाइंड आउट टी एट ई ओ क्यू, या ये वाला फार्मूला यूज़ कर लो. अगर ये वाला फार्मूला नहीं यूज़ करना तो इन दैट पर्टिकुलर केस, सॉरी, अगर वो वाला फार्मूला नहीं यूज़ करने का है तो टी का एक सिंप्लीफाइड फार्मूला भी आ जाएगा, स्क्वेयर रूट ऑफ 2ACACI. हम लोगों ने इसी फंडा के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 सॉल्व कर दिए थे. ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 से थोड़ी सी स्टोरी बदल गई थी. यहाँ पर तुम लोग छोटा छोटा क्वांटिटी खरीदते थे एज पर ई ओ क्यू. सडनली एक सप्लायर आता है, वो बोलता है मुझसे बल्क में ले ले, मैं तेरे को डिस्काउंट दे देता हूँ. तो ऐसे सारे क्वेश्चंस के ना हम लोग बस इतना सा ही काम करते थे, फाइंड आउट टी इंक्लूडिंग परचेज कॉस्ट. ये वाला चीज़ निकाल लो, वंस अंडर ई ओ क्यू, वंस अंडर द ऑफर. जिधर भी कम होगा दैट इज़ बेटर. और एक चीज़ बाई डिफॉल्ट याद रखना, अगर कभी सी पी यू चेंज होगा तो आपका इंटरेस्ट रेट भी चेंज हो जाएगा. ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9 इसी फंडा के ऊपर था. क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बस एक दो जो न्यू चीज़ें आई थी दैट आई वुड लाइक टू बी सेइंग. क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा था, ए का मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स टू बी परचेज्ड इन वन ईयर. आपको कभी कभी प्रोडक्शन दे सकते हैं, पहले आप लोग प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड से रॉ मटेरियल का कंजम्पशन निकाल लेना. एग्जाम्पल, हम लोग 100,000 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाएंगे, हर यूनिट के लिए 2 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए. ठीक है, सो देयरफॉर अगर 100,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाना है
और हर यूनिट के लिए दो यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल कितना चाहिए? 2 लाख, ठीक है? तो इतना रॉ मटेरियल कंज्यूम करना पड़ेगा. अगर रॉ मटेरियल का स्टॉक्स है, सो क्वांटिटी कंज्यूम प्लस क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक विल गिव यू क्वांटिटी परचेज्ड. सो क्वांटिटी परचेज्ड इज ए फॉर यू, इतना याद रखना, ठीक है? सीए का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट. ऑर्डरिंग कॉस्ट विल इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम सप्लायर टू मी, एनी इंस्पेक्शन कॉस्ट और एनी अदर कॉस्ट दैट इज इनकर्ड फॉर एवरी ऑर्डर. इट कैन इंक्लूड लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट एवरीथिंग. फिर उसके बाद सी आई के अंदर भी मैंने तुमको एक न्यू चीज वो बताया था. सी आई यूजली इंटरेस्ट कॉस्ट होता है, कैन इंक्लूड से कोल्ड स्टोरेज का फैसिलिटी, ऑल दोज पर्टिकुलर कॉस्ट, ठीक है? फिर क्वेश्चन नंबर 11 अपना थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन था जो आई सी ने गलत सॉल्व किया था. आई गेस वी ऑल हैड डिस्कस दैट थिंग इन द क्लास. तो याद रखना, इफ ईओ क्यू इज नॉट पॉसिबल, ऑर्डर एनी क्वांटिटी विच इज नियरेस्ट टू ईओ क्यू. तो यहाँ पे स्लैब्स थे, हम लोग हर स्लैब का ईओ क्यू निकालता गया, लेकिन ईओ क्यू स्लैब के अंदर नहीं आया. अगर ईओ क्यू स्लैब के अंदर नहीं आया तो फिर हम लोगों ने, मेरे ख्याल से हम लोगों ने उसके बदले में जो भी क्वांटिटी उसके नियरेस्ट था वो ले लिया था. तो अपने 5 पॉइंट्स आए थे, 5 में से बेस्ट पॉइंट सिलेक्ट कर लिया था, ठीक है? चलो, अभी उसके बाद हम लोगों ने 3 थियरीज की थी, ईओक्यू वाली थियरी, ओआरएस वाली थियरी एंड ऑप्टिमम कैश बैलेंस थियरी. फर्स्ट 2 वर मेड बाय फोर्ड एंड विल्सन एंड दिस पर्टिकुलर थियरी वाज मेड बाय बॉमुल. तो ए का मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी परचेस्ड इन 1 ईयर, ए का मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड इन 1 ईयर, ए का मतलब टोटल कैश रिक्वायर्ड फॉर 1 ईयर, क्यू का मतलब क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेस्ड एट 1 टाइम, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट 1 टाइम, यहाँ पर अमाउंट ऑफ कैश टू बी केप्ट इन योर कंपनी एट 1 टाइम. सी ए का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी ए का मतलब सेटअप कॉस्ट, सी ए का मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और विड्रॉइंग फंड्स, सी आई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, उसके बाद इंटरेस्ट कॉस्ट पर रूपी पर एनम, ठीक है? चलो, इतना तुम्हारा काम हो गया था. उसके बाद इन चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे. अच्छा, जब भी ओ आर एस का एक क्वेश्चन किया था, ओके, तो वहाँ पे बस ए सी ए और सी आई के मतलब हमेशा याद रखना. ओ सी बी के लिए भी ए सी ए और सी आई के मतलब याद रखना, जो मैंने अभी अभी बोला. रेस्ट इज ओनली एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला. अच्छा, ये जो ओ आर एस के क्वेश्चन का मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हारे पास ना क्वान्टिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स है, याद रखना. ओ आर एस की थियरी के लिए ए का मतलब इज क्वान्टिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड, दैट इज क्वान्टिटी सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है? चलो, ये वाला क्वेश्चन अपना हो गया था. इसके बाद हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जहाँ पे हम लोगों ने कॉस्टशीट बनाया था. कॉस्टशीट बनाते बनाते बस इतना याद रखना, अगर आपका मशीन सेटअप का कुछ भी खर्चा होता है, इन योर कॉस्टशीट दैट शुड कम एज पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है? चलिए, उसके बाद हम लोगों ने ये वाले क्वेश्चन किए थे, वेन टू ऑर्डर. अच्छा, वेन टू ऑर्डर के अंदर मैंने तुम लोग को बेसिकली 4 चीज़ें ही कराया था जो मैं तुम लोग को बोल देता हूँ. ROL is usually calculated in reference to the worst things in life. Worst things मतलब सबसे बुरा क्या हो सकता है? Maximum consumption plus maximum lead time plus buffer stock if any. ठीक है, ये तुम्हारा first चीज़ था. उसके बाद next thing, maximum possible stock level. Maximum possible stock level जो है वो कैसे कंप्यूट होता है? दैट विल बी नथिंग बट ROL माइनस, सबसे ज़्यादा स्टॉक अपने पास कभी होगा जब भी कंजम्पशन सबसे कम होगा, और यहाँ पर मिनिमम लीड टाइम के ना स्टॉक आ जाएगा, और उस दिन नया वाला स्टॉक भी आ जाएगा जिसको हम लोग ROQ बोल देते हैं. ROQ मतलब योर EOQ नहीं, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी. उसके बाद मिनिमम डिजायरेबल स्टॉक लेवल. मिनिमम डिजायरेबल स्टॉक लेवल कैसे कंप्यूट हो जाता है? ROL माइनस सब कुछ यूजुअली होता तो एवरेज कंजम्पशन होता और एवरेज लीड टाइम हो जाता, ठीक है? एंड लास्टली तुम्हारा आ जाता है एवरेज स्टॉक लेवल. बेटा, एवरेज स्टॉक लेवल 2 मेथड कराए थे, मैक्सिमम पॉसिबल स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम डिजायरेबल स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? या वैसे कर सकते हो, अगर वैसे नहीं करना का तो एक और फॉर्मूला भी कराया था तुम लोग को, मिनिमम डिजायरेबल स्टॉक लेवल प्लस ROQ अपॉन 2,
ठीक है, आर ओ क्यू अपॉन टू स्टैंड अलोन चीज है, ठीक है, ये वाला भी चीज हो गया था। उसके बाद एक एक्स्ट्रा चीज भी कराया था तुम लोगों को, डेंजर लेवल। डेंजर लेवल इज नथिंग बट एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी लीड टाइम, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस उन्हीं चीज के ऊपर थे, बस एक गलती मत करना जो मैंने तुमको यहां पर वो लिखवाया था। ए का मतलब क्या होता है? ए इज नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स, नो, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स टू बी परचेज एट वन टाइम। बेटा देख लेने का, अगर तुमको ईओक्यू चाहिए तो ए डील्स विद रॉ मटेरियल नॉट विद फिनिश गुड्स। तो अगर किधर भी तुम्हारे पास ए दिया हुआ है, अगर किधर भी तुम्हारे पास ए दिया हुआ है, इन दैट पर्टिकुलर केस ए शुड बी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। वो लोग जानबूझ के ना तुमको फिनिश गुड्स का क्वांटिटी देता है, ओके, तुमको रॉ मटेरियल्स की क्वांटिटी चाहिए, सो जस्ट बी केयरफुल ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। फिर उसके सेम लाइन्स के ऊपर ये वाला भी क्वेश्चन था, उसके सेम लाइन्स के ऊपर ये वाले भी क्वेश्चन थे। यहाँ पर डेंजर लेवल आया था, दैट आई हैव टोल्ड टू यू ऑल। फिर उसके बाद ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था शायद, जहाँ पे अपने पास तीन ऑप्शन थे। यहाँ पे कंजम्पशन पर डे 111, दैट इज दिस फिगर डिवाइडेड बाय 360। उसके बाद सप्लायर को 3 दिन लगता है टू गेट द स्टॉक। अगर तुम्हारे पास आज स्टॉक 333 है तो क्या करना चाहिए? अगर आपके पास आज स्टॉक 333 है, 333 अपॉन 111, तो हमारे पास जो स्टॉक है कितने दिन चलेगा? 3 दिन। सप्लायर को भी 3 दिन लगेगा, तो आप अभी अभी ऑर्डर कर दो। अगर 444 है तो मेरे पास 4 दिन का स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन सप्लायर 3 दिन के अंदर आ जाता है, तो 1 दिन के बाद ऑर्डर कर देना। 222 तो मेरे पास स्टॉक सिर्फ 2 दिन का ही है, स्टॉक 3 दिन के बाद आएगा, तो क्या क्या कर सकते हो? फर्स्ट सर, 1 दिन के लिए फैक्ट्री बंद कर दो, या फिर कंजम्पशन कम कर दो, या फिर सप्लायर को बोलो ज़्यादा पैसे ले ले एंड कम ऑन टाइम, ओके, मतलब कम इन 2 डेज, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन था। यहाँ पे हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी यूज़ किया था, यहाँ पे अपने को रिस्क दिया हुआ था। अगर आपको 15% का रिस्क चाहिए ऑफ आउट ऑफ स्टॉक, तो आपको 85% का श्योरिटी चाहिए दैट यू विल हैव स्टॉक्स, ओके, एंड अकॉर्डिंगली हम लोगों ने यहाँ पे रीऑर्डर लेवल निकाला था। याद रखना, तुम्हारा रीऑर्डर लेवल नॉर्मल वाला इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन रेफरेंस टू 0% रिस्क। लेकिन यहां पर सामने क्या बोला, अपने को रिस्क उठाने का है। अगर रिस्क उठाने का है तो, अगर रिस्क उठाने का है तो, इन दैट पर्टिकुलर केस आपका आरओएल थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोग प्लीज बराबर से देख लेना, इसका हर एक पार्ट। मैं उसका रिकैप नहीं कर सकता बिकॉज दैट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई वॉन्ट यू ऑल टू बी सीइंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स वाले क्वेश्चन किए थे, तो ऑनेस्टली इट वॉज टू ईजी फॉर मी टू बी ट्राइंग टू डू अ रीकैप और समथिंग। फीफो मेथड यू ऑल नो हाउ इट वर्क्स, तो लीफो मेथड यू ऑल नो हाउ इट वर्क्स, वेटेड एवरेज यू ऑल नो हाउ इट वर्क्स। बस वेटेड एवरेज के ना एक चीज अगर बोलना चाहूँ, जब भी रॉ मटेरियल परचेज करते हो, नया वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालो, उसके बाद जब तक नया स्टॉक नहीं आता, कीप ऑन यूजिंग दैट सेम वेटेड एवरेज कॉस्ट, ठीक है। फिर हम लोगों ने 6 एंट्रीज की थी। जब भी आप लोग रॉ मटेरियल परचेस करते हो, एंट्री एसएलसी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, उसके 3 वाउचर्स जनरेट होते हैं, दैट इज योर परचेज रिक्विजिशन फ्रॉम जीआर नोट एंड इनवॉइस फ्रॉम द सप्लायर। फॉर परचेज रिटर्न्स विल बिकम द उल्टा एंट्री, यू ऑल नो दैट, और वहां पे डेबिट और क्रेडिट नोट्स आ जाएंगे। फॉर इश्यूज के लिए एंट्री क्या हो जाएगा बेटा? WIP अकाउंट डेबिट टू SLC, ठीक है। इसका जो रेट है तुमको फीफो लीफो से मिल जाएगा, एंड ऑब्वियसली वहां पे वाउचर क्या होता है? RM इशू फॉर्म। फिर उसके बाद फॉर इशू रिटर्न्स एंट्री उल्टा हो जाएगा, SLC अकाउंट डेबिट टू WIP। एट वॉट रेट यू टेक बैक द गुड्स विल बी द सेम रेट एट विच यू ऑलरेडी इशूड, उसके लिए जो वाउचर आ जाएगा RM रिटर्न मेमो। फिर उसके बाद स्टॉक शॉर्टेजेस एंड स्टॉक सरप्लस। स्टॉक शॉर्टेजेस का जो एंट्री है, स्टॉक शॉर्टेजेस का बेटा एंट्री यहाँ पर क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल लॉस या कॉस्टिंग PNL या सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इन दिस केस SLC अकाउंट, एंड रेट विल बी डिटर्मिंड बाय फीफो लीफो। जिस दिन पता चला कि स्टॉक कम है, सोच लो उस दिन उतने यूनिट्स इशू कर दिए थे, इन दैट पर्टिकुलर केस, तो उसका रेट कैसे मिलता? फीफो लीफो से, ओके।
स्टॉक सरप्लस बिल्कुल उल्टा तो एंट्री आ जाएगा एसएलसी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल गेन या कॉस्टिंग पीएनएल या सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। इसका रेट अगर कुछ दिया हुआ है वो ले लेना, वरना जो यूनिट्स एक्स्ट्रा मिले उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट लेकर काम खत्म कर देना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऐसा ही था, बस एक चीज़ ज़रा याद रखना, जब भी एंट्रीज पास करते हो पास इन डेट एंड टाइम ऑर्डर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एबीसी सिस्टम स्टार्ट कर दिया था। एबीसी सिस्टम इज पार्ट ऑफ अ बिगर चैप्टर इन फाइनल सीए कॉल्ड एज पारेटो एनालिसिस, वो बाद में देखेंगे। अभी के लिए एबीसी कैटेगरी ए स्टॉक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ह्यूज इन टर्म्स ऑफ नंबर, वेरी लेस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। बी इज 20% एंड 20% एंड सी इन दिस केस छोटा छोटा स्टॉक्स, वेरी लेस इन टर्म्स ऑफ नंबर, ओनली 10%, बट ह्यूज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एज सच, सॉरी ह्यूज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, तो 70%, ठीक है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज ओके इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट एट ऑल इम, कंट्रोल इन हैंड्स ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑलमोस्ट नो कंट्रोल ओवर हियर। हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन किया था इस चीज़ के ऊपर, और वो मैंने तुम लोगों से कैसे करवाया था, यूनिट्स ले लीजिएगा, यूनिट कॉस्ट वो ले लेना, तो मल्टीप्लाई कर दो वैल्यू आ जाएगा, फिर उसके बाद ये चीज़ों को आउट ऑफ 100 कन्वर्ट कर लेना, फिर उसके बाद ये चीज़ों को भी आउट ऑफ 100 कन्वर्ट कर लेना, ताकि अपने को परसेंटेज मिल जाए। वो परसेंटेज इधर और इधर आ गया था। एक बार वो हो गया था, फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले हम लोग चीज़ों को डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं ऑफ द सीपीयू, ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक्स कम राइट ऑन टॉप। एक बार वो वाला काम हो जाएगा, उसके बाद टॉप 70% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू कैटेगरी ए में डाल देना, फिर 20% बी में डाल देना, लास्ट 10% सी में डाल देना, काम खत्म हो जाएगा बस। और ये 70-20-10 अप्रॉक्सीमेट है, 5-6% इधर उधर हुआ तो चल जाएगा, अपने को कोई पंगा नहीं है उसके अंदर, ठीक है। चलिए, तुम्हारे ये वाले क्वेश्चंस भी हो गए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक ये वाला क्वेश्चन किया था जहाँ पर रेशोज आया था, तो हम लोगों ने चार रेशोज किया था, इन्वेंट्री टर्नओवर फॉर रॉ मटेरियल्स, वो कैसे कंप्यूट होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये कैसे किया था, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, दिस रेशो वॉज कॉल्ड एज इन्वेंट्री टर्नओवर फॉर फिनिश गुड्स। स्टॉक आउट रेशो कैसे कंप्यूट होता है, स्टॉक आउट रेशो इन दिस पर्टिकुलर केस इज नंबर ऑफ यूनिट्स which could not be supplied because of stock shortage divided by number of units demanded, and input output for raw materials kaise compute hota hai, output of raw materials divided by input of raw materials। Is question ke na zara yaad karo apne ko dikkat kya hua tha, ये फर्स्ट टू रेशोस पढ़ के अपने को पता चला स्टॉक बहुत ज़्यादा है फिनिश गुड्स का, लेकिन ये रेशो पढ़ के पता चला फिर भी स्टॉक आउट हो रहा है फिनिश गुड्स का। ऐसे कभी होएगा, जब योर सेल्स मैनेजमेंट इज इम्प्रॉपर, डिमांड किधर और आ रहा है लेकिन तुम लोग गुड्स किधर और रखते हैं बस, ठीक है। और इस रेशो के ऊपर इनपुट आउटपुट फॉर रॉ मटेरियल्स हम लोग कमेंट नहीं कर पाए थे, क्योंकि अपने पास यहाँ पर नॉर्मल लॉस का डेटा नहीं था, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर एक 32 किया था, जिस क्वेश्चन नंबर 32 एज सच वॉज, पहले हम लोग एक्स और वाई यूज़ करते थे, अपना कुछ ना कुछ कॉस्ट था, अपना कुछ ना कुछ सेलिंग प्राइस था, वाई नहीं मिल रहा, जेड मिलना स्टार्ट हो गया है, तो अभी एक्स और जेड यूज़ करेंगे, तो अभी भी अपने को सेम प्राइस चाहिए, सेम प्रॉफिट चाहिए, सेम कॉस्ट चाहिए, तो एक्स और जेड का प्रपोर्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने इक्वेशंस बना के तब आंसर निकाल लिया था, ओके। दिस इज क्विक रिविजन, स्लाइटली क्विक रिविजन ऑफ योर मटीरियल कॉस्टिंग, ओके। मटीरियल कॉस्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके पोर्शन के अंदर है। आज तक कोई अटेम्प्ट नहीं हुआ कि मटीरियल कॉस्टिंग उन लोगों ने नहीं पूछा, उसके अंदर भी जो ई ओ क्यू और रीऑर्डर लेवल्स वाले पार्ट हैं, दोज आर मोर इम्पॉर्टेंट इन द स्टॉक वैल्यूएशन वाले पार्ट, ओके। और इसका कभी कभी वो लोग थ्योरी वगैरह भी पूछ लेते हैं जो आपके हर चैप्टर के एंड में है, ओके। टिल द टाइम वी मीट अप फॉर द नेक्स्ट टाइम, our next lecture will be on labor, okay। This is goodbye, all the best, bye।